धर्म देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवेद। दिल्ली का छतरपुर धाम जहां विराजती है साक्षात माँ कात्यायनी, नौ दुर्गा में छठा रूप, जिनकी पूजा आराधना से भक्तों को मिलता है मोक्ष। छतरपुर मंदिर में भक्तों को माँ के दो रूपों के एक साथ एक ही छत के नीचे दर्शन होते हैं और साथ ही कई देवी देवताओं के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। माँ दुर्गा के नौ रूपों में छठा रूप है माँ कात्यायनी, जिनकी उपासना और आराधना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है और जन्मों के समस्त पाप हो जाते हैं नष्ट। माँ कात्यायनी का ऐसा ही दिव्य स्वरूप बना है दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। छतरपुर मंदिर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, जिसका वास्तविक नाम श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ है। देश भर के सबसे बड़े मंदिरों में से ये मंदिर मूलतः देवी कात्यायनी को समर्पित है, जिसकी स्थापना बाबा संत नागपाल ने 1974 में की थी। ये मंदिर गुड़गांव मेहरौली रोड के निकट छतरपुर में स्थित है। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर की सजावट और इसकी भव्यता में दक्षिण भारत की झलक दिखाई देती है। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर करीब 70 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से माँ कात्यायनी का ये मंदिर दिल्ली के किसी भी देवी मंदिर की तुलना में ज्यादा आकर्षक है। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर के नाम से विख्यात, देश या पूरे विदेश में ही विख्यात है। बाबा जी ने असीम तपस्या करके 1974 में यहाँ आए और यहाँ माँ कात्यायनी के नाम से मंदिर की स्थापना की और क्रमशः इसका विस्तार होता गया और बाबा जी ने एक धर्म नगरी यहाँ स्थापित कर दिए। छतरपुर मंदिर के नाम से विख्यात माँ कात्यायनी का यह मंदिर शक्तिपीठ है, जो कई सौ साल पुराना है। मंदिर परिसर में माँ के दो रूपों के दर्शन का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है। पहला रूप है माँ का सौम्य सरल रूप, यानी महागौरी रूप। माँ के इस रूप के दर्शन आप साल भर कर सकते हैं। माँ गौरी का ये दरबार भक्तों के लिए सातों दिन खुला रहता है। दूसरा पवित्र स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है, लेकिन माँ भगवती के कात्यायनी स्वरूप के दर्शन भक्तों को हर दिन सुलभ नहीं होते। हर महीने पड़ने वाली अष्टमी के दिन माँ कात्यायनी का ये मंदिर भक्तों के लिए विशेष रूप से खोला जाता है, लेकिन नवरात्र के पावन दिनों में माँ कात्यायनी का दरबार श्रद्धालुओं के लिए पूरे नौ दिनों तक खुला रहता है। छतरपुर मंदिर मूल रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर कई और देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें है महादेव संग, पार्वती, राधा कृष्ण, राम दरबार और भगवान कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं। ये प्रतिमाएं भक्तों को बरबस अपनी ओर खींचती हैं। मंदिर के भीतर दीवारों पर भी कई मूर्तियों का निर्माण कराया गया है। देवी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। साथ ही मंदिर में मन्नत मांगने का क्या है तरीका और नवरात्र में कैसे की जाती है माँ कात्यायनी की विशेष पूजा, उसकी भी एक झलक दिखाएंगे आपको। मनीष गुप्ता, दिल्ली आज तक। माँ के इस रूप का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, माँ के इस भव्य धाम में क्या है पूजा का विधि विधान, चलिए जानते हैं। घंटे घड़ियालों की ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच उतारी जाती है मां कात्यायनी की आरती।
शंख के पवित्र नाद से गूंज उठता है पूरा मंदिर परिसर। भक्त आंखें मूंद कर करते हैं माँ की महिमा का गुणगान और झोली भर कर ले जाते हैं आशीर्वाद। भक्तों को मोक्ष दिलाने वाली, मुश्किलों को हरने वाली माँ के सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता, और भक्तों की यही आस्था, उनका यह अटूट विश्वास ही उन्हें दूर दूर से माँ के इस भव्य धाम तक खींच लाता है। ये माँ कात्यायनी के यहाँ दर्शन करके मन को बड़ी शांति मिलती है, और यहाँ पर ऐसा सुना जाता है कि ये शक्तिपीठ मंदिर है, और यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मन से जो माँ के चरणों में जो भी मनोकामना करते हैं वो माँ पूरी करती है। तो ऐसा हमने कई बार पहले भी आने का सौभाग्य मिला, जो भी मन में हम इच्छा लेके आए तो वो अब पूरी हुई है, तो इसलिए माँ भगवती के चरणों में दोबारा आने का सौभाग्य मिला है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहते हैं कि कात्यायन ऋषि ने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण से माँ कात्यायनी कहलाई। नौ देवियां हैं, उसमें छठा रूप कात्यायनी माँ का। जब राक्षसों का बहुत अत्याचार बढ़ गया था तो कात्य नाम के ऋषि थे, उन्होंने कात्यायनी माँ के नाम से उनकी स्थापना पूजन की हैं, और राक्षसों का वध हुआ और उसके बाद सब आनंद मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। माँ की प्रतिमा के साथ साथ छतरपुर मंदिर के कण कण में रचता बसता है माँ का आशीर्वाद, और इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं मंदिर परिसर में मौजूद ये वटवृक्ष, जिनकी टहनियों पर लाखों की संख्या में चुनरी और धागे बंधे हुए हैं, जो माँ के प्रति उनके भक्तों की अटूट आस्था है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की चुनरी, धागा या फिर चूड़ी श्रद्धानुसार इस पेड़ पर बांध देते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने पर माँ अपने भक्तों की मुराद जरूर पूरी करती है। जो भक्त वो श्रद्धा से आते हैं, वो बाबा जी के समाधि स्थल का जरूर दर्शन करते हैं, और उनको मन में ये भावना जरूर है जो कि हम जिस भावना से आए हैं यहाँ मेरी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। एक बट वृक्ष बाबा जी लगाए थे, उसमें भी लोग मनोकामना से रुमाल या चुन्नी बांधते हैं, और मैं देखता हूँ रोज़ कम से कम 200-400 आदमी आते हैं यहाँ, पूजन पुष्पांजलि कराते हैं, कहते हैं पंडित जी मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मैं खोलने जाता हूँ। क्योंकि उसका नियम है जो कि जब पूर्ण हो जाती है मनोकामना तो उसमें जो चुन्नी बांधे हुए होते हैं किसी एक को खोल देते हैं। दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर देश भर से श्रद्धालु यहाँ एकत्र होते हैं और समारोह में भाग लेते हैं। इस दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवरात्र के दौरान 61 ब्राह्मण माँ दुर्गा का पाठ, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर में 10 दिनों तक यज्ञ का आयोजन होता है। इस दौरान यहाँ आने वाला हर भक्त भंडारे में प्रसाद जरूर ग्रहण करता है। साथ ही जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी की आराधना करते हैं, उन भक्तों की भीड़ नवरात्र के दिनों में बढ़ जाती है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष मिल जाता है, इसलिए नवरात्र में हर भक्त की इच्छा होती है कि वो माँ कात्यायनी की पूजा करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करे। मनीष गुप्ता, दिल्ली, आज तक। जहाँ न घी न तेल न दिया और ना ही बाती, फिर भी जलती है ज्योत बिना बुझे बिना रुके। जी हम बात कर रहे हैं हिमाचल के कांगड़ा में ज्वाला देवी मंदिर की, जहाँ ज्योति रूप में माँ देती हैं दर्शन। कहते हैं माँ इस रूप के दर्शन मात्र से ही मन का अहंकार दूर हो जाता है। जीवन जो जिज्ञासा है और एक यात्रा भी, जिज्ञासा स्वयं को जानने की और यात्रा
उस जाने हुए को तारने की, स्वयं को तारने की यही ललक पहुंचा देती है वहां जहां विराजी है जगतारिणी। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से लगभग 225 किलोमीटर दूर देवभूमि हिमाचल की इन शिवालिक पहाड़ियों के बीच प्रतिष्ठित है मां सती की 52 महाशक्ति पीठों में से एक महामाया मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ। हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों की गोद में दूर से नजर आता है मां का ये परम धाम, जिसके मंदिर के गुंबद स्वर्ण से जड़े हैं और इन्हीं स्वर्ण जड़ित गुंबदों के नीचे विराजी हैं मां ज्वाला देवी। पृथ्वी पर उस अलौकिक शक्ति का वो चमत्कार जो अनादिकाल से प्रज्वलित है, अखंड रूप से प्रकाशवान है। कहते हैं यहाँ माँ पार्वती की जिह्वा गिरी थी और यहाँ प्रज्वलित ज्योति उनकी जिह्वा को ही दर्शाती है। जलंधर पीठ के अंतर्गत ये सिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी, यहाँ पर शक्ति की जीवा गिरी हुई है जिससे ज्योतियाँ। न घी, न तेल, न दिया और न ही बाती, फिर भी बिना रुके बिना बुझे युगों युगों से जल रही हैं माँ की ये ज्योतियाँ। कहते हैं माँ का दर्शन यहाँ निरंतर प्रज्वलित इस ज्योति के रूप में ही होता है, इसलिए इसे ज्वाला देवी कहा जाता है। यही धाम धूमा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पर्वत की चट्टानों पर मां ज्वाला देवी का ये चमत्कार मात्र एक जगह नहीं बल्कि 9 स्थानों पर प्रज्वलित है।